सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग इस वीडियो में 50 मार्क्स हिंदी का सिलेबस का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको कवर करने जा रहे हैं, और यह चैप्टर का नाम है आलोपी दीन। आलोपी की कहानी है जिसको हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ, इनकी जो राइटर हैं महादेवी वर्मा, इनके बारे में जो साहित्यिक परिचय है, जीवन परिचय है, उसका मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो आप लोग जो हैं प्लीज़, हमारे जो पुराने वीडियो है, जस्ट एक दिन पहले उसको वीडियो को अपलोड किया गया है, तो उस वीडियो में इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एंड सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे मैं इनका जीवन साहित्यिक परिचय डिस्कस नहीं करूँगा, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कहाँ पर वो मिलेगा। हिंदी का जो प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब पे देख लीजिए, मैंने बड़े घर की बेटी भी पढ़ा रखा है, साथ ही साथ दोनों ओर प्रेम पलता है और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, एंड लास्ट में मैंने पढ़ाया था मुरझाया फूल। मुरझाया फूल महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस वीडियो में हमने महादेवी वर्मा जी के बारे में साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय दोनों अच्छे से, काफ़ी अच्छे से संक्षिप्त में समझाता, तो यहाँ से वो कवर कर लेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी के जो इस कहानी को लिखा है इन्होंने, जिसका नाम है आलोपी दीन। ठीक है, ये सब देख लेना। जैसे कि ये पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, कौन से टेलीग्राम ग्रुप। तो ये जो देख रहे हैं ये हमारा ग्रुप है, एकदम जस्ट 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 देख सकते हो, आइकन इस तरह का है, मायूप राजगीर वाले, ये सर्च करेंगे मेरा टेलीग्राम आ जाएगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से ये डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। जैसे कि देखो आप लोग कैसे करेंगे, इधर आएंगे फिर फाइल्स में जाना है, फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पर आलोपी दीन करके चैप्टर डाला हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये मिला, तो इस पे ईदगाह भी है, तो ईदगाह भी पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो आलोपी दीन, ईदगाह, जो भी आपके सिलेबस में वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ई कंटेंट। तो आज की वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए आलोपी दीन कहानी जो है काफ़ी सुंदर कहानी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है आपको, अगर इस कहानी से आप सीखना चाहते हैं तो। इसमें एक बहुत ही अच्छे तरह से इस कहानी को पेश किया गया है, किनके द्वारा, महादेवी जी के द्वारा। महादेवी वर्मा इस कहानी की लेखिका हैं। तो हम लोग समझते हैं ये इसका जो है आलोपी दीन, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आलोपी कौन था, आलोपी दीन उसका नाम कैसे पड़ गया, और आलोपी देवी कौन सी थी। ठीक है, तो आलोपी देवी का भी चर्चा मिलेगा इस कहानी में। आलोपी देवी के कारण आलोपी दीन नाम पड़ा आलोपी का, तो इसमें इनकी मम्मी पापा सबका चर्चा है। फिर महादेवी वर्मा का भी चर्चा है इस कहानी में। महादेवी वर्मा अपना काम कर रही होती है, वही कहानी को लिखती है कि मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा था, मुझे एक आलोपी दिखा, तो वो है। ठीक है, और हाँ, जिन जो अभी तक नए हैं तो आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू, और नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम लोग इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस कहानी का मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में अगर पढ़ना होगा तो बोलिएगा। इस कहानी का हम लोग सारांश से देखेंगे, और हम लोग बात करेंगे कि आलोपी था कौन। तो सबसे पहले आलोपी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि आलोपी, आलोपी दीन में जो आलोपी है उसका चरित्र चित्रण करिए, मतलब आलोपी कौन था और उसके बारे में उसका चरित्र चित्रण बताइए, कैसा इंसान था वो, क्या था वो बताना है आपको। तो सबसे पहले आलोपी दीन के चरित्र चित्रण को देख लेते हैं, फिर इसकी कहानी को भी देख लेंगे कि कहानी में एक्चुअली में हुआ क्या। तो आलोपी जो था, आलोपी दीन शीर्षक कहानी के नायक आलोपी हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस कहानी का जो मेन हीरो है आलोपी है, इसी के इर्द गिर्द सारी कहानियां घूमती है। तो आलोपी दीन शीर्षक जो है कहानी जो है इसका नायक आलोपी है, वह जनमांग है। जनमांग मतलब जो जन्म से अंधा होता है, मतलब देख नहीं सकता है, तो उसको जनमांग बोलते हैं। तो वह जनमांग है, उसके छोटे छोटे वाल हैं, चपटे माथे हैं, बिखरी भौं हैं, सूखे वाले मॉडल का आवास दिलाता है। ठीक है, सूखे वालों का मॉडल का आवास, नमूना एक तरीके का दिखता है। आलोपी दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था, जैसे कि आप देख सकते हैं आलोपी जनमांग है, अंधा तो वो है ही, देख नहीं सकता है, उसके छोटे छोटे बाल हैं, चपटे माथे हैं और बिखरे वाह हैं, सूखे वाल मॉडल के आवास दिलाता है, वह वचाल। और इसके अंदर एक और भी अच्छी खास, देखो ये सब तो इनके अंदर थोड़ा सा बोल सकते हैं नेगेटिव पॉइंट। अब आलोपी जो था भले ही देखने में खराब लगता था, लेकिन इंसान बहुत अच्छा था। उसकी बात है कि वह वचाल है, विनम्र मृमयी
और कर्तव्यनिष्ठ है, विनम्रमयी भी है, दयालु भी है और कर्तव्यनिष्ठ इंसान है आलोपी। तो ये कुछ अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट इसके लिए। भले ही वो देखने में खराब था लेकिन ये अच्छा इंसान था। ठीक है, वह मृदुभाषी है, उसकी जो भाषा हुए और उसके जो बोलने की कला है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है उसकी, जो किसी का भी मन मोह ले। जैसे कि ये जाता है एक दिन महादेवी जी वर्मा जी के घर में जाता है काम के लिए, कि काम दे दीजिए मैडम। तो महादेवी वर्मा शुरुआत में देखती है कौन आया है, कौन भिखारी आया है, फिर देखती है आलोपी का, फिर आलोपी के बात को सुनती है। तो महादेवी वर्मा खुद उसके बातों में लगता है इसका विनम्र बात देख करके, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ इंसान देख करके, वो भी थोड़ा सा दयालु, दया आ जाता है महादेवी वर्मा जी को। तो वही है, इनके अंदर एक खूबी है आलोपी के अंदर, भले ही भगवान उसको अंधा बनाए हों, अच्छा नहीं बनाए हो, और पूरा दम हड्डी जैसा इंसान था यार, बोल सकते हो देखने में बिल्कुल भद्दा जैसा था। देखिए, लेखिका, लेखिका यानी उसकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर सब्जियां लाने का काम दे देती है। आलोपी जो है जाता है महादेवी वर्मा जी के घर, बोलता है मुझे सब्जी बेचने का काम दे दिया जाए। तो महादेवी वर्मा जी हैं लेखिका, उसकी वाक्पटुता से प्रभावित हो करके सब्जियां लाने का काम दे देती है। एक्चुअली में महादेवी वर्मा इस कहानी में एक हॉस्टल चला रही होती है, जिसमें छात्रावास होता है, छात्राओं का हॉस्टल। तो वहाँ पे खाना वगैरह बनता है, तो छात्रावास में सब्जी वगैरह का काम होता है, तो महादेवी वर्मा इसको सब्जी लाने का काम दे देती है। प्रपोजल जो आलोपी ने रखा था, और एक आलोपी का भाई भी था, दोनों गया था काम मांगने, तो वहाँ पे इसकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर के सब्जियां लाने का काम दे देती है। ठीक है, वह मातृभाषी है, और वो जो है देखो, इसकी पिताजी की जो देहांत हो जाती है, जैसे ही ये जन्म होता है कुछ दिन बाद इसकी पिताजी का देहांत हो जाता है, फिर सारा का सारा लोड इनकी मम्मी पे आ जाता है। तो मम्मी वगैरह जो है इनकी सब्जी बेचने चले जाती है। तो ये देख करके जो बेटा है आलोपी, वो बोलता है सही नहीं है, अब हमको थोड़ा सा जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, जो मेरी माँ है उनको आराम करना पड़ेगा। तो उसको देख करके क्या करता है, देखो आराम पहुँचाने, देखिए वह मातृभाषी है, माँ को आराम पहुँचाने के लिए वह सब्जी लेकर के लेखिका के यहाँ आता जाता है, मतलब सब्जी बेचने का काम आलोपी शुरू कर देता है। देखो ये अंधा है फिर भी सब्जी बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, क्योंकि इसके साथ इसका छोटा सा भाई है, रिश्तेदार वाला भाई, तो वो साथ देता है, सब्जी खराब है या अच्छा है पहचानने में वो उसका मदद करता है। तो वो दोनों मिल करके, आलोपी एंड उसका जो भाई था, वो दोनों मिल करके सब्जी बेचने का काम कर लेता है। क्यों करता है, क्योंकि इसको देखा नहीं जाता कि इनकी माँ जो है काम कर रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम सुने होगा इंग्लिश का वर्ड है, ये उठा लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, माँ को आराम पहुंचाने के लिए सब्जी लेकर के लेखिका यहाँ, लेखिका के यहाँ आता है जाता है, और उसका चरित्र जो है ना निष्कलंक है। ठीक है, कलंक मत समझ लेना, निष्कलंक। तो उसका चरित्र जो है ना आप देखेंगे तो ये काफी अच्छा इंसान है, बुरा इंसान नहीं कहोगे। भगवान भले ही उसको कैसा भी बनाया हो, लेकिन इसके काम में, इसका जो कर्तव्य है और इसका जो विनम्र निष्ठा है, वो सारी की सारी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, एक बार देखो इस कहानी में हम लोग, देखो ये कहानी जो पढ़ रहे हैं ना, बस इसका चरित्र देख रहे हैं कि कैसा इंसान है ये, कहानी भी शुरू नहीं किया है, बस चरित्र देखो। तो यहाँ पर एक बार क्या होता है, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एक बार की बात है, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे उस समय, रास्ते में हिंदू मुस्लिम दंगे में आप देखते होंगे जब होता है तो सब लोग अपने घर चल जाते हैं, लेकिन ये इतना कर्तव्यनिष्ठ इंसान था कि दंगे फसाद का प्रॉब्लम देखते हुए भी इसने क्या किया, उसका देखा कि हो रहा है फिर भी अपना जो कर्तव्य है वो पूरा किया, डेली सब्जी लाता था, डेली सब्जी ले जाता था, ठीक है, अपनी लेखिका के पास, उस दिन भी वो ले गया, दंगे फसाद ने उसको ये अपना कर्तव्य करने से रोका नहीं। तो यहाँ पर देखो वही लिखा गया है, एक बार हिंदू मुस्लिम के दंगे समय भी वह सब्जी लाना ना भूला। ठीक है, उससे दुस्साहस से जो लेखिका थी क्रोधित हुई, लेखिका सवाल करने लगी, दिमाग उमाग है कि नहीं तुम्हारे पास, बाहर में दंगे चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही है, तुमको कुछ हो जाता है तो तुम
इस दंगे फसाद के बीच से आए हो सब्जी लेकर के। सब्जी नहीं लाते एक दिन तो भूखे रहते क्या? तो ऐसे ऐसे डांटने फटकारने लगी, दुस्साहस देखी कि इसने बहुत बड़ी दुस्साहस की है आलोपी ने। तो आलोपी उस दिन कुछ नहीं बोलता, शांत रहता है एकदम, और फिर वो अपना काम करता है शांत साथ, डांट सुन करके कुछ नहीं करता है। तो ये काफी अच्छी बात है ना, महादेवी वर्मा जी उसको डांट रही है फिर भी वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। क्रोधित हो जाती है लेखिका, और लेखिका के सामने जैसे ही वह आता है लेखिका उस पर तरस आती है। काफी अच्छा इंसान था, तो लेखिका के जैसे ही सामने आलोपी आता है लेखिका को आलोपी पे तरस आने लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये लाइनें जो है ना, आप एग्जाम में चरित्र चित्रण आए तो उसमें भी लिख सकते हो, और यहाँ पर सारांश आए तो उसमें भी लिख सकते हो, ये सेम ही लाइन है। ठीक है, तो आलोपी की बात कर रहा हूं कि आलोपी जो है लेखिका को उस पे तरस आती है और वह शांत हो जाती है। ठीक है, उसने कहा कि मेटेन, मेटेन मतलब जो होता है बावर्ची जो खाना वगैरह बनाती है हॉस्टल में, उसकी का नाम है मेटेन। तो जब ये क्रोधित हुई थी हमारी महादेवी वर्मा जी लेखिका आलोपी पे, तो आलोपी कहता है कि उसने कहा कि मेटेन ने उसे बताया कि उनके भंडार से अचार समाप्त हो चुके हैं और बड़ियों में फुंफुदी लग गई है, बड़ियों में फुंफुदी लग गई है, इसी कारण सब्जी वो लाया, अगर नहीं लाता तो फिर दिक्कत हो जाती है, बच्चे लोग खाते क्या। तो इसने अपना कर्तव्य पूरा किया, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद है उसके बीच से होकर के आया, खतरों से खेल करके अपना कर्तव्य पूरा किया। यही कारण है कि वह बचते बचते सब्जी लेकर यहाँ कैसे भी करके पहुंच गया। तो इन सभी बातों से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, आलोपी किस तरीके का इंसान रहा होगा? कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। आलोपी जो था स्वाभिमानी है, एक बार लेखिका के बीमार पड़ने पर वह उससे मिलने के लिए बहुत प्रयास करता है और सफल भी हो जाता है। देखो शुरुआत में वो लेखिका बीमार पड़ गई थी, तो लेखिका का साफ साफ कहना था किसी से नहीं मिलना है उसको, लेकिन आलोपी बहुत प्रयास करता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, और आलोपी अपना संदेश जो है लेखिका के पास बुलाता है, मतलब भेजवाता है। तो लेखिका जो है ना बोलती है आलोपी को भेजो, तो आखिरकार इसका कोशिश अच्छा सफल हो जाता है। वही बात लिखी गई है कि आलोपी स्वाभिमानी है, एक बार लेखिका बीमार पड़ने पर वह उससे मिलने के लिए बहुत ही प्रयास करता है, लेकिन आखिरकार लास्ट में वो सफल भी हो जाता है। यह आलोपी जो है देवी की विभूति लाकर देता है, मतलब विभूति राख वगैरह देखे होंगे पहले के जमाने में यूज होता था, कोई बीमारी वगैरह होगा तो राख वगैरह जो जलने के बाद बचता है वो, तो विभूति ला के देता है। बोलता है महादेवी वर्मा जी को कि लगा लीजिए, आप इसको लगाएंगे तो जरूर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये आलोपी देवी जी से मैंने लाया। अच्छा, तो ये आलोपी देवी कौन थी? एक देवी जैसे कि दुर्गा माता है, वैसे करके एक भगवान थी इस कहानी में, आलोपी देवी तो एक भगवान का नाम है। और ये बोला मैंने ये आलोपी देवी के मंदिर से ये राख लाया है और आपको जो है ये लगाना है, वो ठीक हो जाएगी। तो वो जो है मन ही मन सोचती है हमारी लेखिका कि जब आलोपी, इसकी कहानी मैं समझाऊंगा, मन ही मन जो क्या सोचती है लेखिका, सोचने लगती है कि आलोपी देवी ने जब तुमको अंधा बनाया है। देखो इनकी आलोपी का जो माँ थी, पिताजी थे, उनसे उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो आलोपी देवी के मंदिर गए थे, और जब वो मंदिर गए थे तो उन्होंने मांगा था बच्चा होने का। तो देखिए आलोपी के मम्मी को बच्चा हुआ, लेकिन आलोपी कैसा हुआ, अंधा हो गया ना, और देखने भी अच्छा नहीं था। तो वही कहना है ना, महादेवी वर्मा जी यही सब पुरानी बातों को सोच रही थी कि जब आलोपी देवी ने तुम्हारी माँ, तुम्हारी जो माँ है पिताजी हैं उनकी मुराद पूरी नहीं की, और बच्चा तुमको, तुमको पैदा भी किया तो तुम अंधा किया, जब तुम्हारी बातों को, तुम्हारी माँ पिताजी के बातों को जो है उन्होंने नहीं सुना पूरी तरीके से। देखो बच्चा मांगा जा रहा था उनकी माता पिताजी आलोपी देवी से, बच्चा मांगा, बच्चा तो दिया लेकिन अंधा दिया। तो वही सोच रही थी मन मन ही मन। तो फिर आलोपी ने इतना विनम्र भाव से दिया था जाकर के लेखिका को, तो लेखिका ने बोला ठीक है मैं लगा लेती हूँ, और लेखिका जो है अपना वो विभूति लगा लेती है, और उसके कारण थोड़े दिन बाद वो ठीक भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
वही वाली बातें सभी लिखी गई है। और सफल होता है अलोपी, देवी विभूति लाकर देता है और कहता है कि माथे पर इसे लगा लें तो सब रोग दुख दर्द दूर हो जाएगा। अलोपी भावुक है। देखो अलोपी के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, स्कैम समझते हो, बहुत बड़ा धोखेबाजी, और ये लड़की का चक्कर है बाबू भैया। तो यहाँ पर देखो अलोपी के साथ स्कैम क्या हुआ, अलोपी को एक लड़की से प्यार हो गया, वो भी सब्जी ही बेचती थी, तो उससे प्यार हो गया, वो काफ़ी देखने में तो अच्छी थी, बोलने में भी ठीक है, और उस लड़की का ऑलरेडी दो तलाक हो चुका था, डाइवोर्स हो चुका था, ये तीसरा था अलोपी जो शादी, तो प्यार में कुछ नहीं दिखता है, अलोपी को इससे प्यार हो गया और फिर उससे उससे शादी भी कर लिया, लेकिन पत्नी जो थी कैसे निकली वो देखो, इसे लगा ले तो रोग, ये तो मैंने कर दिया। अलोपी भावुक है। पत्नी के चले जाने के बाद माँ जब उसे गला लगाना चाहती थी, वह ऐसा नहीं करता क्योंकि अपनी गलती के लिए वह अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता है। इसकी पत्नी इसके पैसे जितने भी जीवन भर की कमाई थी लेके भाग जाती है, बहुत बड़ा इसके साथ धोखेबाजी हो जाता है। और उसके बाद देखिए जब पत्नी आती है ना, तो आलोपी अपनी माँ से दूर रहने लगता है, अलग रहने लगता है, माँ कहीं पे और रहने लगती है, और पति पत्नी मतलब आलोपी और उसकी पत्नी अलग रहने लगती है। पत्नी आने पे ये होता है, आज भी देखे होंगे कहीं ना कहीं गाँव में ये सब होता है, तो आलोपी माँ को भूल जाता है। फिर जैसे ही पत्नी छोड़ के जाती है, आलोपी जो है अपने माँ के पास जाता है, ठीक है, पत्नी के चले जाने के बाद माँ जब उसे गले लगाना चाहती है, तो माँ गले लगाना चाह रही है लेकिन आलोपी जो है ना वो गले नहीं लगता है। ऐसा क्यों करता है? वह ऐसा नहीं करता है क्योंकि अपनी गलती के लिए वह अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती की एक लड़की के लिए, एक मतलब अपनी बीवी के लिए माँ को ठुकराया, तो वो थोड़ा सा इसको अपने अंदर जो है ना लगता है कि सही नहीं किया अपने माँ के साथ, तो फिर वो गले नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करता है, यह एक सच्चा प्रेमी है। अलोपी नो डाउट अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पत्नी खराब निकली तो बेचारे का क्या गलती, ठीक है, अपनी पत्नी के बेवफाई से वह इतना हताश हो जाता है कि वह घर छोड़कर अनजान डगर पर चल पड़ता है। सोच सकते हो कितना बड़ा दुख इसको मिला। अतः अलोपी का चरित्र जो है ना निष्कलंक है और अनुकरणीय है, इसका चरित्र अनकंपरेबल है, बहुत अच्छा इंसान था ये। अब ये चरित्र इसको देख लिया, आलोपी के बारे में तुमने सब कुछ देख लिया, अब आलोपी की कहानी को समझते हैं, ये कहानी में है क्या। देखो जितनी चीजें हमने यहाँ पे समझी है वही सारा चीज नीचे भी समझना है, तो समझना कुछ चीजें मिलती जुलती मिलेगी। सारांश समझते हैं, इस कहानी की शुरुआत कहाँ पे होती है, तो इस कहानी की शुरुआत होती है महादेवी वर्मा जी से। महादेवी वर्मा जी अपने छात्रों का मूल्यांकन कर रही होती है, एग्जाम में जो पेपर्स वगैरह देते हैं बच्चे लोग, छात्राएं लोग, तो उनका मूल्यांकन कर रही होती है अपने घर में बैठ के अपने रूम में। तो मूल्यांकन करते करते वही सारी कहानी स्टार्ट यहाँ पर होती है। देखो आलोपी दीन शीर्षक रेखा चित्र नायक आलोपी दीन है, ठीक है, आलोपी दीन मतलब आलोपी की कहानी है ये। वह अंधा है, लेखिका कहती है, मुझे तो उसकी कथा और आंसू भरी दृष्टि की छाया में कांपते हुए दुख गीत की एक कड़ी सी लगती है। ये लेखिका कह रही है, क्यों, देख किसको, देख करके अलोपी को देख करके क्या कह रही है, मुझे तो उसकी कथा आंसू भरी दृष्टि की छाया में कांपते हुए दुख गीत की एक कड़ी सी लगती है। देखो बैसाख का महीना था, हमारी लेखिका महादेवी वर्मा मूल्यांकन कर रही थी, छात्राओं का कॉपी चेक कर रही थी, उसी दिन बाहर में आते हुए दो बच्चा आता है, जिसमें से एक आलोपी रहता है, एक भाई उसका भाई रहता है, और दोनों काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। काम की तलाश में क्यों भटक रहा था मैंने बताया, क्योंकि इसके पिताजी की देहांत हो जाता है और पिताजी के बाद इसकी मम्मी वगैरह काम करने लगती है, तो इसको अच्छा नहीं लगता है, आलोपी को स्वाभिमानी था, ये अपना बोलता है मम्मी आप आराम करिए हम काम कर लेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। वही कारण है कि देखो वही सारी चीजें यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर कहाँ थे हम लोग, बैसाख का महीना था, तीक्ष्ण धूप के कारण लेखिका अपने कमरे में कैद थी, और कमरे में कर क्या रही थी तो बोलेंगे मूल्यांकन कर रही थी। उसके बाद क्या होता है, भिखारी की आवाज से वह तिलमिला गई। अब देखो कोई आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे घर में और कोई आपको बार बार इधर से डिस्टर्ब करेगा तो आप भी तिलमिला जाएंगे, वैसे ही लेखिका
तिलमिला गई। लेखिका को बार बार भिखारी की आवाज सुन रही थी तो गुस्सा आ रहा था कि कौन बीच में आके जब हम काम कर रहे हैं तो डिस्टर्ब करा, तो लेखिका तो गुस्सा हो गई, ठीक है। और भिखारी था कौन? आलोपी। आलोपी ही चिल्ला रहा था बाहर से, तो आलोपी भीख मांगने थोड़ी आया था, वो तो काम की तलाश में आया था, ठीक है। तो भिखारी कहना सही नहीं होगा, काम की तलाश में वो आया था। लेकिन लेखिका को लगा कि कोई भिखारी होगा बाहर में और चिल्ला रहा है, तो उसको लगा। फिर एट द एंड, लास्ट में मतलब हार पार के लेखिका जो है वो क्या करने आ जाती है, बाहर देखने आ जाती है कौन। फिर देखती है वही सब कि एक लड़का है दुबला पतला सा, और कैसा दुबला पतला सा, अंधा है, जन्मांग है, और उसके साथ एक उसका भाई भी है। उसके छोटे छोटे बाल हैं, चपटे माथे हैं, बिखरी भौं हैं, सूखे बाल, मॉडल की आवाज़ कर दिलाता है। ये सभी देखती हैं जब वो अपने रूम से निकल के आती हैं इनकी आवाज़ें सुन करके, तो वो ये सब देखती हैं, ठीक है। तो वही लिखा गया है, अपने कमरे में कैद थी भिखारी की आवाज़ से वह तिलमिला गई, वह पुकारने वाले को असमय आगे दंड देना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो गई थी। महादेवी वर्मा जी, कौन चिल्ला रहा है, कौन मेरे काम में बाधा डाल रहा है, बहुत इरिटेट हो गई थी। और वो इतना इरिटेट हो गई थी, वो पुकारने वाले जो बाहर में भीख मांग रहा था, जो पुकार रहा था जोर जोर से, उसको महादेवी वर्मा ने सोच लिया था कि मैं इसको दंड दूंगी जो भी बाहर में इतना हल्ला कर रहा है। तो वो आती है, फिर देखती है कैसा कि वो एक लड़का है दुबला पतला सा, एंड अगेन वही सारी चीज़ें लिख लेना एग्जाम में, दुबला पतला सा, अंधा था वो, उसके छोटे छोटे बाल थे, चपटे माथे, ये सब चीज़ लिख देना एग्जाम में। तो वो ऐसा देखती है कि ऐसा है, तो उसको देख करके महादेवी वर्मा जी उसका गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि आलोपी को देख करके उनका गुस्सा शांत क्यों होता है आप समझ सकते हैं, आलोपी था कैसा दिखने में। तो देखो वही लिखा गया यहाँ पे, वह पुकारने वालों को असमय आगे आके दंड देना चाहती थी, लेकिन अपनी शिष्टता का ध्यान आते ही वह शांत होकर बाहर निकल गई, ठीक है। महादेवी वर्मा जी को अपनी शिष्टता, ठीक है, बचपन में इनको सिखाया गया था कि जो शिष्टता है, संस्कार वगैरह सिखाया गया था, उसको ध्यान रखते हुए इन्होंने जो अपना गुस्सा था उस पर कंट्रोल किया और फिर आलोपी को देखने लगी। वही लिखा गया है, अपनी शिष्टता का ध्यान आते ही वह शांत होकर बाहर निकल गई। उसने देखा कि 11-12 वर्ष, 11 भी मान सकते हो या 12, मतलब लगभग 11-12 वर्ष के बालक एक अस्थि कंकाल को सहारा देते हुए आगे बढ़ रहा है। अब अस्थि कंकाल कौन था? वही दुबला पतला आलोपी, और वो 11-12 साल का जो बालक था उसका भाई था। तो 11-12 साल का बालक किसी एक अस्थि कंकाल को सहारा देते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये देखती है हमारी लेखिका, ठीक है। अब उसकी दशा देख करके वह करुणा के सागर में, ठीक है, भावुक हो जाती है, दयालु टाइप की हो जाती है, करुणा के सागर में गोते लगाने लगी। कौन? लेखिका। तो उसके बाद देखते हैं, धूल के रंग के कपड़े, धूल भरे उनके पांव थे, चपटे से माथे, शिथिल पलक, बिखरी सी भौं, दृष्टि के आलोक में शून्य छोटी छोटी आंखें, उन्हें बरवस अपनी ओर आकर्षित किया, ठीक है। ये सभी देख करके बहुत सारे जो होंगे आम लोग वो बोलेंगे कैसा आदमी है यार, देखने में एकदम खराब लग रहा है, इग्नोर करेंगे, ठीक है। आप भी जाते होंगे कहीं पे आज घूमने वगैरह, तो भिखारी को देख करके इग्नोर करके चले जाते होंगे, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं होता है ऐसा पूरा। तो महादेवी वर्मा का ऐसा नहीं था, महादेवी वर्मा इसको देख करके वो करुणा के सागर में गोते लगाने लगी, ठीक है, ठीक है। उन्हें बरवस अपनी आकर्षित कर लिया, किसको? महादेवी वर्मा आकर्षित हो गई उससे, ठीक है। फिर उसके देखिए, ये कहानी मैंने बताया, उसकी माता पिता ने, उस संतान नहीं हो रहा था उनको, तो उन्होंने आलोपी देवी मंदिर में जाके आलोपी देवी से मांगते हैं ना वर मांगा, मतलब एक अपना इच्छा जताया, तो आलोपी देवी ने एक बच्चा उनको दिया, लेकिन कैसा दिया? अंधा दिया और चपटे माथे वगैरह वगैरह लिख देना, बिखरी सी भौं वगैरह। तो वही देखिए, वही वाला कहानी है जो मैंने ऊपर समझाया अभी भी। उसकी पिता का नाम था काक्षी, एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आ सकता है।
तो ध्यान रखना, उसके पिता काक्षी बहुत दिनों तक संतानहीन रहा और आलोप देन की याचना करने पर उसे पुत्र प्राप्त हुआ। देखो आलोपी देवी से उसने मांगा था, लेकिन वो जो भगवान थी उन्होंने पुत्र तो दिया लेकिन अंधा दिया। कहने का मतलब वो जो देवी थी मांगे तो पूरा करती थी, लेकिन पूरा मतलब कंप्लीटली नहीं, 50% ही वो सबका मांगे पूरा करती थी। तो वैसी भगवान थी वो आलोपी देवी। तो उनका इस तरीके से बात है कि उसके पिता काक्षी ने बहुत दिनों तक संतानहीन रहा, आलोपी की याचना करने पर पुत्र प्राप्त तो हुआ, पुत्र रत्न प्राप्त हुए, परंतु वह नेत्रहीन था। माँ बाप उनके दान को, ठीक है, किनके दान को? आलोपी देवी के दान को। माँ बाप ने अनेक अनेके दान को, उनके यहाँ पर होगा, उनके दान को उन्हीं के चरणों में फेंक देने की कृतघ्नता तो ना की, ठीक है, बट उन्होंने एक काम जरूर किया कि उसकी कृपणता की घोषणा कर अन्य याचकों को जो है सावधान सावधान कर दिया। अभी मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है ये लाइन। याचकों को सावधान करने के लिए उसका नाम आलोपी दिन रख दिया गया। बेसिकली क्या हुआ ना, जब उनके पिताजी जो थे काक्षी और उनकी माताजी जो थी, उन दोनों ने आलोपी देवी मंदिर गई, आलोपी देवी से एक संतान मांगा, संतान जो हुआ पुत्र जो हुआ इनको मिल गया, लेकिन अंधा मिला। तो इसके बाद जो है ना, उनके माता पिता काफी दुख हुए कि मेरा पुत्र हुआ भी है तो अंधा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि जो बेटे उसका पुत्र पैदा हुआ है उसको उनके जहां से आया उन्हीं को छोड़ देते हैं, जिन्होंने दिया है उन्हीं के पास रखाते हैं। ठीक है, माँ बाप ने उनके दान को उन्हीं के चरणों में फेंक देने की कृतघ्नता को तो ना की, मतलब जो आलोपी देवी है वहीं पर रखने की उन्होंने दुष्ट काम नहीं किया। मतलब होता है ना कि आपने बच्चा दिया तो अंधा दिया, क्यों दिया, लीजिए आप ही रखिए, भगवान को ऐसे बोलते हैं ना गुस्सा में आके। तो इनके माता पिता ने ऐसा काम तो नहीं किया, लेकिन वहां पे गांव में रह रहे सभी लोगों को इन्होंने अपने एक कारनामे से सावधान कर दिया। इन्होंने क्या किया, आलोपी देवी थी और अपने बेटे का नाम आलोप दिन रख दिया, ताकि गांव के जो लोग हैं अगली बार कोई चीज आलोपी देवी मंदिर में आए मांगने तो वो एक बार जरूर सोचें, मांगने से पहले एक बार जरूर सोचें कि यहाँ पे कैसे मिलता है। कोई भी चीज मांगते हो तो आधा अधूरा मिलता है, और तो उसका नाम आलोपी दिन रख दिया जिससे लोग सावधान रहें और कोई चीज आलोपी देवी से मांगे ना। ठीक है, तो आलोपी का नाम आलोपी दिन क्यों रखा गया, समझ में आया? बस इनके माता पिताजी सबको सावधान कर रहे थे कि कैसी हैं ये हमारी आलोपी देवी। ओके, तो आगे देखते हैं। उसका पिता काक्षी अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये कहानी मैंने समझा दिया ना, उसका पिता मर जाता है, फिर मम्मी जो है काम करने लगती है, तो फिर बेटा बोलता है हम सब्जी बेचेंगे, फिर महादेवी वर्मा के घर जाता है सब्जी लाता है, वही सारी कहानी यहाँ पर समझनी है। देखो पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। उसका पिता काक्षी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी माँ तरकारियां लेकर के फेरी लगाती है, पुत्र को यह अच्छा नहीं लगता है, अतः वह काम की तलाश में निकल पड़ा। लेखिका के पूछने पर आलोपी दिन कहता है कि गांव से वह सस्ता तरकारी उनके, देखो यहां पर यह कहानी शुरू होती है, लेखिका के यहाँ ये भीख मांगने आया है। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है, ये जो मैंने पढ़ाया ना, ये बैकग्राउंड था, आलोपी कौन थे, आलोपी के माता पिता कैसे थे वो। अब यहां से ये कहानी कंटिन्यू होता है कि ये जो है लेखिका के घर वो भीख मांगता है। ठीक है, तो लेखिका से फिर आलोपी बातचीत को आगे बढ़ाता है और बोलता है, लेखिका के पूछने पर आलोपी दिन कहता है कि वो गांव से वह रास्ता, मतलब सस्ता तरकारी, ठीक है, गांव से वह सस्ता तरकारी लाएगा और अच्छा तरकारी लाएगा और आपको देगा। वो आलोपी अपनी लेखिका को कहने लगता है। ठीक है, लेखिका के पूछने पर कि वह अपने जीवन यापी अंधेरेपन में ऐसा व्यवसाय से उलझा हुआ कर्तव्य किस प्रकार से निभाएगा। अब लेखिका के मन में भी सवाल तो उठता है ना यार, कि तुम अंधे हो भाई, तो बताओ इस अंधेरेपन में तुम ऐसा व्यवसाय, ऐसा बिजनेस कैसे कर पाओगे, ठीक है, इस कर्तव्य की तुम कैसे निभा पाओगे। तो आलोपी कहता है कि मैं इसे अकेले नहीं कर रहा हूं, देखो लिखा गया है कैसे निभा पाएगा, तो यहां पर थे ना हम लोग,
अलोपी इशारा करते हुए कहता है कि उन दानों में सम्मिलित पुरुषार्थ से कठिनतम कार्य भी संपन्न होते रहे। मतलब वो जो दोनों भाई थे, दोनों के मिलीजुली भगत से बहुत कठिनतम काम जितने भी हार्ड काम है वो सभी पूर्ण होते रहे, तो ये भी काम पूर्ण हो जाएगा, ये भी काम संपन्न होते रहेगा। ठीक है, आलोपी दिन नियमितता लेखिका को सब्जियां देने लगा। आलोपी के जीवन धारा, ठीक है, जो थी बदल गई, सब्जियां बेचने लगा, कुछ कमाई होने लगी। फिर वो जो गंदे कपड़े पहना करता था, मैले कपड़े पहना करता था, अभी वो बदल गया, वो थोड़ा सा अच्छा से रहने लगा। ठीक है, वही लिखा गया, आलोपी की जो जीवन धारा है वो बदल गई एक समय, ठीक है, एक समय के साथ आलोपी के जीवन में बहार सी आ गई। आलोपी बहुत खुश हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। उसका जो भाई उसका साथ दे रहा था उसको भी कुछ कुछ पैसे आलोपी दे दिया करता था। अब उसके कारण दोनों का लाइफ जो है ना, जीवन धारा बहुत अच्छा हो गया। एक तरीके से आलोपी के जीवन में बहार सी आ गई। फिर आती है मनहूस, जिसे प्यार करता है वही, ठीक है, मनहूस के बारे में देखो समझ रहे हो। तो यहां पर देखो, बहार सी आ गई, कहां पर थे हम लोग, बहार सी आ गई। आलोपी अपना घर बसा लिया, मतलब शादी कर लिया, इसको प्यार हो गया, शादी कर लिया। आलोपी की माँ अलग रहने लगी, जैसे ही नई नई पत्नी आई उनकी माँ जो है अलग हो गई, अलग रहने लगी। उसकी पत्नी धूर्त निकली, ठीक है, मक्कार धोखेबाज निकली। उसने आलोपी का जो संचित धन था, मतलब जितना उन्होंने कमाई किया था जीवन भर में सब्जी बेच बेच करके, सारा का सारा धन लेके 9-2-11 हो गई। ठीक है, वही लिखा गया, आलोपी का संचित धन लेके सदा के लिए चली गई। उसके जीवन में अंधकार सा छा गया। आलोपी तो एक बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से, तो उसका अलग दुख, आलोपी ने जितना कमाई किया था वो भी लेके चली गई। तो इन सभी दुखों के कारण आलोपी के जीवन में अंधकार सा छा गया। प्रकाश की जो किरणें सामने आई थी वह धुंधली सी हो गई। उसकी माँ उसके अपराध को क्षमा कर उसे अपने गले लगाना चाहती थी, लेकिन आलोपी ने कहा, नहीं, मैं गले नहीं लग सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, माँ तो माँ होते हैं यार, कितना बड़ा भी गलती कर दो माँ लास्ट में माफ कर देती है। तो यहाँ पर आलोपी की माँ भी बोली ना कि कोई बात नहीं, आलोपी इसको माफ कर देती है आलोपी को, लेकिन आलोपी बोलता है कि नहीं, इसको अपने किए पे पछतावा आने लगा कि माँ के साथ इसने गलत किया है, पत्नी के फेरे में आके माँ के साथ गलत किया है। तो उसके बाद देखो, उसकी माँ उसके अपराध को क्षमा करने उसे अपनाने की चेष्टा, लेकिन जो आलोपी है उसने अपनी जो बात उससे नहीं हटा, हटी ने अपने आप को क्षमा ना कर सका। पुत्र आलोपी दीन को अपनी जिंदगी से घृणा हो गई, ठीक है, अतः वो चुपके से, देखो उसके बाद घृणा हो गई। 2-3 दिन वो सब्जी आया लाया, सब्जी आया लाया, महादेवी वर्मा जी को उसके छात्रावास में सब्जी पहुंचाता रहा, लेकिन एक दिन ऐसे गायब हुआ आलोपी कि दोबारा फिर वो आया ही नहीं। ऐसा कहती है लेखिका कि एक दिन ऐसा हुआ कि आलोपी उस दिन के बाद कभी आया ही नहीं सब्जी लेकर के। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो, कहीं गायब हो गया होगा। अतः चुपके से वह सब छोड़ करके चला गया, इतना दुख था यार, तो सब कुछ छोड़ के चला गया। रघु के लेखिका ने काम पर रख करके आलोपी के से स्मारक पे विस्मृति की यवनिका डाल दी, ठीक है, हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई हो, मृत्यु ही होगी, फिर दोबारा वो लौट के आया नहीं काम पे, ठीक है, या फिर कहीं चला गया हो। तो ये कहानी थी, आप देख सकते हो कि इसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स थी। पहले तो ये इसका जो जन्म हुआ अंधा हुआ, जन्मांग हुआ, ठीक है, जन्मांग मतलब कुछ अच्छी चीजें इसमें नहीं थी, फिजिकली अच्छा नहीं था, लेकिन इसका जो मेंटली हालात था वो सब कुछ ठीक था, काफी अच्छा इंसान था। तो वो तो हुआ, इसने काम किया, सब्जी बेचा, इसकी पिताजी की मृत्यु हो जाती है, इतना सारा प्रॉब्लम, सब कुछ किया, काम किया, जीवन इसका अच्छा हो गया था। फिर एक लड़की से प्यार हुआ, शादी किया उससे, ठीक है, ये अपनी पत्नी को महादेवी वर्मा जी से भी मिलाने लाया था। तो महादेवी वर्मा जी जब बात की, तो देखो देखने में तो उसको लगी थोड़ा सा कि है, लेकिन जब बात की ना महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा भी चकमा खाई गई, काफी सुरीली आवाज में बात कर रही थी उसकी पत्नी। तो महादेवी वर्मा जी को लगा ठीक है, अच्छी होगी इसकी पत्नी, तो महादेवी वर्मा जी से मिली थी इसकी पत्नी से, लेकिन एट द एंड उसकी पत्नी ने सारा पैसा जो इतना दिन से कलेक्शन किया था, सारा का सारा पैसा
सालों का मेहनत लेके गई और आलोपी बहुत उसको चाहता था, वो भी उम्मीद भी लेके गई। तो प्रॉब्लम से हार पार के वो कहीं चला जाता है, ऐसा जाता है कि दोबारा लौट के भी नहीं आता है। तो यही कहानी है और ये कहानी आपके एग्जाम में शायद इस साल आए, तो ध्यान रखना इस कहानी को देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ES पॉइंट पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही कहानियाँ पाते रहने के लिए। धन्यवाद।